एक नजरियाती तहरीक है। नजरियाती तहरीक का मतलब क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारा दीन इस्लाम ये एक मुकम्मल निजामे हयात है, इसको टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते। आम मजहबी जमातों में अमूमी तौर पर ये होता है कि वो दीन के किसी जुज पर, किसी छोटी चीज पर काम कर रहे होते हैं। किसी ने खानकाह बनाई हुई है, किसी ने सबील लगाई हुई है, और अक्सरियत तो फिरका परस्त होते हैं, एक मसलक की नुमाइंदगी करते हैं, बाकी मसलक वालों को या तो इस्लाम के दायरे में समझते ही नहीं है, बाज तो ऐलान अलल ऐलान कह रहे होते हैं, बाज अंदर से ख्याल रखते हैं कि हम जायज और बाकी सब मकरूह, बल्कि इस्लाम के दायरे से खारिज, और राय रखना अपनी जगह, उस पर दुकानदारी बनाते हैं। तो जमात इस्लामी के लिए बहुत वाज़े बात है कि हम सारे मसलकों का एहतराम करते हैं, लेकिन मसलक की बुनियाद पर हमने जमात नहीं बनाई। इस जमात में तमाम आइम्मा इकराम जो भी हैं, फिकही मसालिक, उनसे ताल्लुक रखने वाले सब लोग आ सकते हैं। इसमें देवबंदी आ सकते हैं, बरेलवी आ सकते हैं, शिया आ सकते हैं, सुन्नी आ सकते हैं, इसमें अहले हदीस आ सकते हैं, जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, कुरान को मानता है, कमी कोताही अपनी जगह, सब जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं। हम सबको जोड़ने वाले हैं, लोगों को तोड़ने वाले नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सबको जोड़ने के लिए आए थे, एक उम्मत बनाया है उन्होंने। जो इस उम्मत को तकसीम करेगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार नहीं हो सकता, जितना भी दावा करे वो। तो जमात इस्लामी फिरकों और मसलकों की बुनियाद पर तकसीम नहीं करती लोगों को।